और आज यार बड़ी कुछ बदली बदली लग रही है। हाँ। तो घूम के आई है आजकल? रेत के डिब्बे। हाँ मस्त है यार, क्या मजा आता है उसमें। क्या हुआ, रेत के डब्बे डिब्बे? अच्छा हमसे बोल दिया हैकल वेकल उतार के चल। चाचा का ऊंट का नंबर था 33। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग देख रहे हैं भास्करनंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों आज थोड़ा सा आगे तक जाते हैं और जो बाइक है बहुत समय हो गया है खड़ी खड़ी, उसे थोड़ा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो स्टार्ट नहीं होगी तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अभी जाता हूँ और अपनी बाइक को करता हूँ स्टार्ट, और उसके बाद आज का जो दिनचर्या है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और धीमे धीमे जाते हैं। बहुत अच्छी धूप भी निकली है आज, ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है। हमने खेतों में हमारी गाय बच्ची अभी बधी हुई है, कुछ देर बाद इनको घर वाले खोलेंगे और उसके बाद आज मेरे को इनको देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ जानकारी मिली है। तो आज दिन में हमारी बिटिया नेहा आने वाली है और वह आने वाली है नैनीताल से। फोन आया था उसका कि मैं निकल गई हूँ, तो देखते हैं कितने बजे तक वो आती है। आज उसका भी इंतज़ार रहेगा क्योंकि बिटिया बहुत समय बाद आ रही है। अगर तो जो मेरी बाइक है वो सामने, तो बहुत समय बाद स्टार्ट किया जा रहा है अभी, इसको एक महीने से ऊपर तो हुई है बाइक स्टार्ट करने आया। कुछ तो स्टार्ट हुई थोड़ी देर, फिर एकदम बंद हो गई है। लग रहा मेरे को कुछ तेल की कमी हो गई हो, तो अभी मैंने तेल मंगाया, मैं तेल लेके आता हूँ पेट्रोल। तो फिर तो पेट्रोल मंगा दिया है और डाल दिया है मैंने बाइक में भी, तो बाइक सही से चलने लगी, स्टार्ट हो गई है। तो अभी कुछ दिन ये स्टार्ट ऐसे ही करनी पड़ेगी और अभी चलाने में कुछ समय लगेगा। तो आज मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, अब देखता हूँ कि जो हमारा ट्रैक्टर है एक, उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे भी 6 महीने हो गए हैं स्टार्ट नहीं किए हुए। स्टार्ट हो गया तो ठीक, नहीं तो देख के ही आते हैं उसको। तो अभी मैं खेतों के बीचों बीच पहुँच गया हूँ और कुछ ही दूरी में हमारा यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है, इसको स्टार्ट भी करता हूँ, देखता हूँ स्टार्ट। तो मैंने जो ट्रैक्टर खड़ा किया था यहीं पर खड़ा करवाया था ये आषाढ़ के महीने में, तो उसके बाद आ नहीं पाया। तो ये अभी यहाँ पर देखिए झाड़ झंकार खूब हो गया है इसके बगल में, और तब हमने इससे अपने खेतों की सफाई। अभी मैंने अपना ट्रैक्टर जो है स्टार्ट कर दिया है, बहुत समय हो गया था स्टार्ट में, एक झटके में स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर इसको स्टार्ट रखते हैं, कुछ देर मशीन को स्टार्ट रखनी चाहिए। ट्रैक्टर जो है स्टार्ट कर लिया और उसके बाद अब इसको मैंने, तो हमारी बिटिया नैनीताल से आ गई है नेहा और उसकी दोस्त विनीता। वाह, आयुष्मान आयुष्मान, खुश रहो। पहुंचे आप सोमेश्वर? पहुंच गई थी अभी 1 बजे। 1 बजे सोमेश्वर पहुंचे और वहां से कुछ माल होगा यार, बड़ी कुछ बदली बदली लग रही है। तो घूम के आई है आज, चाय पिलाई जाए आपको? तो अब ये मेहमान है आज, तो इनको चाय पिलाते हैं। और हमारी बिटिया आ गई है, पहले पानी पिलाओ, तो चाची पिलाएगी। चाची जल्दी इनको पानी पिलाओ, उसके बाद चाय। और हमारे बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो बच्चों दीदी आ गई है, दीदी, अरे नेहा दीदी आ गई है, जल्दी आओ, खोलो खोलो आराम से, गेट नहीं खुल रहा बच्चों के आने से। और दीवार से आ गई है वर्तिका और निधि ने गेट को खोल दिया, लेकिन अब तो अरे ताऊ जी भी आ गए उसके। तो भाई साहब बच्चों को ले आए और बच्चे इतने खुश हैं। हाँ, और दीदी खुश होगी, दीदी आ गई तुम्हारी, जल्दी आओ जल्दी। अरे बच्चे क्या लाई हो? अरे ये देखो दीदी आ गई, दीदी को प्रणाम करेंगे, दीदी को प्रणाम करेंगे, जल्दी प्रणाम करो, गुड 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 गुड। ये तो ऐसे ही करते प्रणाम, तो कुछ कहा ही नहीं तुमने दीदी से। बेबी कौन करेगा, तुम्हारा भाजी हो, गुड। और तुम ही कर, तू यहाँ बेबी दी को प्रणाम नहीं करते, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, गुड गुड गुड। और सामने भाभी जी भी आ गए हैं स्कूल से और हमारी खुशी भी आ गई है। तो आज तो यहाँ नया दीदी आ गई है। हाँ तेले लड्डू पेड़ा लाई हो? अरे मैंने चीजी टॉफी लेके आई है, लड्डू पेड़ा क्या नौकरी करके आ रही हो? लड्डू पेड़ा सही। तो अब उसने अपनी मम्मी को प्रणाम किया और वाह, खुशी ने भी प्रणाम किया। तो आज तो खुश है बच्चे सभी, किसको ये? तो आज वो मिला तेरा, क्या कहते हैं, पानी की बोतल मिली?
तो खुशी को कुछ पता ही नहीं है कि मेरी बोतल कहाँ है। हमारे साथ बच्चे आ रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और हेलो गाइस, जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने, और हिमांशु जी आए हल्द्वानी से, और हमारी नेहा बिटिया आई नैनीताल से। तो बच्चों से मिलके कुछ आनंद अलग ही आता है। तो आज धूप सिखाने ले जाता हूँ इनको, हमारे वहाँ तो धूप चली गई है। तो मैंने कहा गुलजू के मंदिर के वहाँ तक तुम्हें धूप सिखाते हैं और उसके बाद फिर घर को चलेंगे। ये देखो कितनी सुंदर, और पीछे मंदिरों का जो लुक है वो भी बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो हम यहाँ धूप सेक रहे हैं, और यहाँ से हमारे वहाँ देखा जाए तो एकदम अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो हम यहाँ धूप सेक रहे हैं, और यहाँ से हमारे वहाँ देखा जाए तो एकदम अंधेरा हो गया है। और अब मैं घर जाता हूँ कुछ देर बाद, और वहाँ जलाता हूँ थोड़ी सी आग। ठंड भी होने लगी है, और आज की दिनचर्या यही है। भगवान, तो अब यहाँ से चला जाए घर की ओर। तो आज चलते हैं पांडे जी के वहां, तो आप भी चलेंगे? तो अभी हम चचा के वहां को जा रहे हैं, और हमारी भाभी भी यहाँ पर आई हैं। पता नहीं कुछ कहा, एक हाथ में डलिया है भी दिख रही थी अभी यहाँ, तो वो कुछ खोज रहे हैं लग रहा है, कुछ है। तो तब तक हम पांडे जी के वहां जाते हैं, और शाम का यह समय है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो आज मेरे साथ बच्चे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। ये देखिए बच्चे आ गए, और भाभी डलिया लेके कुछ ला रहे, कुछ ढूंढने जा रहे। तो आज हम अपने चचा के वहां पहुंचे हैं, और हम अभी चचा से मिलते हैं। चचा जी नमस्कार। तो चचा जी बोल नहीं रहे, अभी देखते हैं। तो हम पहुंच गए हैं चाचा के वहाँ, और यहाँ हमारी चाची के दर्शन हो गए। चाय पी रही है, अकेले अकेले मिली बनाई है। हाँ हाँ, अभी बना देंगे क्या। और हमारे चाचा जी का और टीवी चला रखा है, और हमारी बिटिया मिलने आई है आपको। वाह, ये देखो, वाह। और अंदर कुछ पपड़ाट हो रहा था, कौन आया? चाचा जी नमस्कार। चाचा जी से प्रणाम किया बिटिया ने। हाँ, बढ़िया। और बड़वाजू खुश है? जैसलमेर जाके आइए। ये देखिए, तो हमारी बिटिया जैसलमेर होके आई। ये चाचा कह रहे कर्मभूमि। हाँ चाचा जी की, देखो जैसलमेर बिटिया घुमाई। अच्छा, पाकिस्तान बॉर्डर में देखा? अच्छा, एकदम नजदीक हुआ। अच्छा, अच्छा कौन सा मंदिर हुआ? टनौट माई। वाह, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, टनौट माई एक नहीं हुआ है? गुड यार, मंदिर में कुछ नहीं हुआ। ये हमारी बिटिया वहाँ हो गया जैसलमेर। ये वीडियो बैठ है, पटों की हवेली, एक पत्थर में हवेली है। पत्थर में हवेली है, उसी में दरवाजे, उसी में खिड़की, उसी में लड़की, उसी में बाथरूम, उसी में पटों की हवेली है। मेन मार्केट में किला है यहाँ पर। अच्छा, जैसलमेर किला है जहाँ पे? रेत के डिब्बे। हाँ, मस्त है यार, क्या मजा आता है उसमें। क्या हुआ, रेत के डब्बे? डिब्बे, अच्छा। उसमें ऊँट बैठे। हाँ, फिर वहाँ ऊँट बैठे। ऊँट में तो फोटो भी। अच्छा, ऊँट में फोटो। तो दोस्तों ये ऊँट की फोटो तो हम दिखाएंगे। नंबर भी होता है क्या? हाँ, इसका नंबर आज तैतीस नंबर का चाचा का ऊँट का नंबर था। तैतीस रेगिस्तान में तो ऊँटों के नाम भी जेठालाल कुछ कुछ रखे वहाँ। टनौट माई जैसे यहाँ है, कौसानी में है। हाँ। यहाँ पर है लौंगे वाला पोस्ट। हाँ, लौंगे वाले में भी गए हम। गए वहाँ रहा है 2.5 साल। अच्छा, पोस्ट में उसमें। हाँ, उसमें गए हमने, उसके अंदर मूवी भी देखी। उसके उधर है भी किला, घोटारू किला। वो नहीं गए, घोटारू किले में वहाँ शूटिंग होती थी पिक्चर। अच्छा। हाँ, और इधर हो गया आशुतोष। हाँ, मैराना, मांडलू। मांडलू में तो ऐसी ही है जैसे बॉर्डर, ऐसी ही है जैसे ये हम यो यो क्यों नहीं। हाँ, आंगन। हाँ, और यो
इतना ही। वो जो हम भागे ना उस बात कुछ दिनों बाद फायरिंग हो गई थी उधर इधर उधर, हमसे बोल दिया हैकल वैकल उतार के चलना, नहीं तो अलर्ट भी तो खड़ा कर रहा था ना बॉर्डर पे, ऐसे लाइन करके बताया कि ये यहाँ पे उनके वो है पोस्ट है उधर पाकिस्तानियों के उधर वो उधर वो, ऐसे वो यार मजा आ गया, मैं तो इतना प्रसन्न हो गया, मैं सोचा मैं ही उंगला बैठा तो हम चाची के वहाँ चाचा के वहाँ गए और हमें चाय आगे चाय पीते हैं, चाचा हर लेंगे चाय, चाचा ने भी पी है और नमकीन भी आई है, थोड़ी नमकीन भी लेना है, बहुत सुंदर। तो चाचा जी चलते हैं, शाम का समय हो गया है, तो टाटा बाय बाय, और हमारी बिटिया भी आ रही है, तो बहुत इधर ठंड लग रही है, कुछ कह रही हमारी चाची, तो आप आइए हम खिलाएंगे, क्या क्या खाना चाहेंगे आप? पकौड़ी तो मैं तो नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे हमें खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी खा सकता हूँ और खिला नहीं सकता हूँ चाची। हाँ कत्ती बैठो, कल ही आ जाओ, कल आ जाएगी वो ना, तो देखिए वो कह रहे चाची कह रही कि चाचा का व्रत है कल, अरे व्रत है तो यार हमारा भी गया व्रत कल, अच्छा परसों आएंगे ठीक है, तो चाची चले भी नमस्कार। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, धन्यवाद, नमस्कार।